कल जनता कर्फ्यू, लेकिन उससे पहले आज इसके असर दिखने लगे हैं। राजधानी में जायजा लिया हमारे संवाददाता कफिल ने, वो आपको दिखाते हैं। लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद राजधानी लखनऊ में पूरी तरीके से बंदी का आदेश हुआ है। इस वक्त हम हजरतगंज चौराहे पे खड़े हैं, जहां आपको दिखाना चाहेंगे तमाम जो दुकानें हैं वो पूरी तरीके से बंद कर दी गई हैं, चाहे वो रोड हो, रोड पर सन्नाटा पसरा हुआ है। हजरतगंज में जहाँ भीड़भाड़ रहती है, चहल पहल रहती है, आज वहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है, इक्का दुक्का लोग दिखाई पड़ रहे हैं, सारी दुकानें बंद है। तो कहीं ना कहीं जो कोरोना वायरस का खौफ है वो देखने को भी मिल रहा है, लोग भी समर्थन कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने कल आदेश दिया था कि राजधानी लखनऊ की सभी दुकानें, प्रतिष्ठान, मिष्ठान की दुकानें, रेस्टोरेंट, सैलून, तमाम जो चीजें हैं वो बंद रहेंगी। उसका असर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि कोरोना मरीज लगभग 8 हो चुके हैं राजधानी लखनऊ में और इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। लखनऊ से कफील उर रहमान, भारत समाचार। देश भर में कोरोना वायरस का प्रकोप देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम चारबाग रेलवे स्टेशन पे हैं। तमाम यात्री जो हैं वो अपने घर की ओर जाने को निकल चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से कल जनता कर्फ्यू का आह्वान किया गया है उसके बाद से लोग अपने अपने घर की ओर जा रहे हैं। इस वक्त हम चारबाग प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं। जो यहाँ के एम्प्लॉय हैं उनको स्कैनिंग मशीन भी दी गई है। जो यहाँ पे यात्री आ रहे हैं उनकी स्कैनिंग की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से लगातार कोरोना वायरस के संक्रमित बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने भी बड़ा कदम उठाया है। इसके अलावा केंद्र सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि कोरोना वायरस के संक्रमितों को कम किया जाए। कोरोना वायरस सहायता केंद्र है जहां पे लोगों को जानकारी दी जा रही है, जागरूक किया जा रहा है। हम लोग यहाँ जो यात्रीगण आते हैं, जो आते हैं उनको मैं बताता हूँ कि आप एक दूसरे से दूरी बना के रखिए, जिसको छींक बुखार या खांसी है वो अपना ट्रीटमेंट करवाए, अपने आप को चेकअप करवाए, हाथ की बार बार सफाई करते रहे, सैनिटाइजर करते रहे, हाथ से धोते रहे या साबुन से हाथ की धुलाई करते रहे। तो लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि कोरोना वायरस को हराना है, देश को बचाना है, इसी स्लोगन के साथ लोग पूरी तरीके से कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तैयार हैं। कैमरामैन दिलीप के साथ कफील उर रहमान, भारत समाचार। कोरोना वायरस का खौफ देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम चारबाग रेलवे स्टेशन पर हैं, जहां हजारों की संख्या में लोग आते थे यात्री, आज चारबाग परिसर में काफी सन्नाटा देखने को मिल रहा है, बहुत ही कम यात्री देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कोरोना वायरस ने पूरे देश को अपनी जकड़ में लिया है, लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। इसको देखते हुए जो लोग हैं वो भी अब कम निकल रहे हैं। केंद्र सरकार ने लगातार आग्रह किया है लोगों से कि भीड़भाड़ वाले इलाकों में कम निकलें, तो अब लोगों का भी सहयोग मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना वायरस लगातार फैल रहा है, भीड़भाड़ वाले इलाकों में इसकी संख्या बढ़ सकती है। इसको देखते हुए जो लोग हैं वो भी अब कम निकल रहे हैं। कैमरामैन दिलीप रजत के साथ कफील उर रहमान, भारत समाचार।